स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा लगने वाला प्रॉब्लम कि वर्तमान में कैसे रहे, एक्चुअली हम सबके जीवन का प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये फोकस से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हम वर्तमान समय में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और सबसे ज्यादा ये ओवर थिंकिंग का इश्यू जो है वो निकल के आता है। अब इसमें इंसान का एक तो होता है कि उनका कंसर्न जिसके रिलेटेड उनको सोचना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी भूतकाल था, जैसा भी भविष्य वो सोच रहे हैं, या वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं जिसके रिलेटेड उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, कंसर्न होनी चाहिए, उसके रिलेटेड प्लान बनाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक एरिया ऑफ थिंकिंग चला जाता है वरी, चिंता में, कि आपको आपके भविष्य की चिंता हो रही है या आपने भूतकाल में जो कुछ भी किया उसके रिलेटेड, फालतू में जो समय गुजर चुका है उसके रिलेटेड चिंता। और ये हर जो एज ग्रुप है उसमें पाया जाता है, बिकॉज हर तरह के क्लाइंट या पेशेंट से आई टॉक्ड विद, तो जो टीनेजर होते हैं उनको उनके भविष्य की चिंता होती है, जो सर्टेन 60 प्लस या ऐसे, तो बुढ़ापे में इंसान अपने भूतकाल के बारे में ही ज्यादा सोचता रहता है कि ये मेरा अच्छा समय था, बीत गया, और उनको बीमारियों की चिंता हो जाती है जिनकी वजह से एक्चुअली उनको बीमारी हो जाती है। कुछ नहीं है बॉडी में, हेल्दी है, लेकिन ये सारी वरी करने की वजह से। और अगर आप मिड एज में है तो अगर आप सेट होंगे या नहीं होंगे, आपकी जिंदगी कैसी होगी, तो हर तरह से इंसान का फोकस वर्तमान में तो होता ही नहीं है। और ये कब ओवरथिंकिंग बनके हमें परेशान करने लग जाता है हमें समझ में नहीं आता। कई बार होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का कुछ घटना हमारे मन में छप गई, अब वो बार बार बार, आप जैसे सिंपली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शांति से मोबाइल चला रहे हैं और 2-3 मिनट सोच रहे हो और अचानक से वो घटना याद आ गई, फिर 5-10 मिनट तक वही दिमाग में चलता है, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि ये कब तक चलेगा, मतलब ये, और फालतू में आपने वो अपने 10 मिनट 15 मिनट तो वेस्ट कर दिए जबकि उस तरह की सोच मन में चलाने का कोई मतलब नहीं था। तो ये है प्रॉब्लम जो मैंने सबसे पहले डिस्कस की, एंड सेकेंड पार्ट है कि वर्तमान में कैसे रहे उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जिन समय में मुझे पता है कि मेरी गलत सोच चलेगी, जैसे कि खाना बनाते टाइम या ड्राइविंग करते टाइम या किसी मीटिंग के टाइम वेट कर रही हूँ बाहर, या अभी कहीं पे भी जाना है और मेरा समय नहीं आया, तो वो बीच वाला टाइम, तो उसमें या तो आप मोबाइल चलाते हैं या तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपने आप को इन्वॉल्व रखूँ, किसी भी ऑडियो वीडियो को मैं सुनती रहूँ ताकि मेरा मन जो है वो बिजी रहे उन चीज़ों को सुनने में। ईयर प्लग्स ले लिए हैं मैंने और अपना प्लेलिस्ट बना के रखती हूँ, चाहे वो अच्छा म्यूजिक है, मेडिटेशन म्यूजिक है, अच्छे बुक्स है, अच्छे स्पीकर है, कुछ भी, तो आई कीप प्लेइंग दोज थिंग्स, तो उसकी वजह से और वो सारी की सारी चीजें मोटिवेशनल हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, ये मैं ध्यान रखती हूँ ताकि मेरी एनर्जी चैनलाइज हो, ना कि अगर, क्योंकि मन को टाइम मिलता है तो वो चिंता करता है ना, तो उसको टाइम देने की जरूरत है। सेकेंड, जिनके अंदर ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न है और ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते, उनके लिए एक टिप है कि अपने फोन के अंदर 1-1 घंटे का रिमाइंडर रख दे हर आवर में, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे फोन में अलार्म सबके लिए रखना आसान है, या तो फिर अपने घर में कोई और व्यवस्था कर ले जिसमें आप अलार्म, और उस 1 घंटे में हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकेंड अपनी लंबी सांस लेनी है 3 बार और खुद को याद करवाना है कि मुझे वर्तमान में जीना है, आई एम एट प्रेजेंट, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अमेजिंग, इसमें से कोई भी अफर्मेशन, या तो एक या तो फिर सारे या तो फिर एक सिंगल अफर्मेशन, दैट आई एम लिविंग इन टू द प्रेजेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग इन टू द प्रेजेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिविंग इन टू द प्रेजेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 मिनट तक आपको अपना सारा का सारा अटेंशन जो है वो खुद पर, भगवान पर, अपनी बॉडी पर लाना है, चाहे आप आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट, थैंक यू गॉड ये बोल सकते हैं, या अपनी बॉडी के रिलेटेड थैंक यू बोल सकते हैं, या अपने आसपास जो कुछ भी चीजें हैं उन सबके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, लेकिन हर घंटे में 2 मिनट यू ब्रिंग आउट योर अटेंशन टू योर सेल्फ,
दो मिनट अपने लिए निकालना हर घंटे में नामुमकिन नहीं है, चाहे आप किसी भी काम में फंसे हो। मैं खुद चार चीजों में इन्वॉल्व हूँ, फिर भी मैं निकाल पाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कितने भी आप बिजी है अपने लिए टाइम निकालना इतना भी नामुमकिन है। आप हाउसवाइफ है, आप बिजनेसमैन है, आप स्टूडेंट है, हर घंटे में दो मिनट अपने आप को दीजिए। ये आपका अटेंशन ना रीअलाइन करेगा, जैसे घड़ी का कांटा आपने ठीक किया, उसको सही जगह पे लाए, ये काम वर्क करेगा। धीरे धीरे आपका फोकस अब वो दो मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट तक तो आप पॉजिटिवली इसी प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हो गई। और फिर आपने ध्यान रखना है कि आपका अटेंशन कैसे स्पान जा रहा है। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आधे आधे घंटे में भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जिनके जीवन में एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, यू नो हर तरह के इश्यू होते हैं, धंधा नहीं चल रहा है, तो आपके दिमाग में नेचुरली बहुत ज्यादा टर्मोइल चलता है कि मैं कैसे निकलूं कैसे निकलूं। और आपको ये चिंता करनी भी नहीं है, ओवरथिंकिंग करनी भी नहीं है, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। उस टाइम पे किसी कंसर्न व्यक्ति से बात कीजिए, चाहे आप किसी काउंसलर से बात कीजिए जो आपको अलग पर्सपेक्टिव देगा, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, कलीग से, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि वो आपके बात को समझेगा और आपकी परिस्थिति को अलग एंगल से समझा के आपको उसमें से निकाल पाएगा। जो भी ऐसे इंसान जो बहुत एंटेंगल है अपनी सोच के साथ, अगर मुझसे बात करते हैं, मैं उनको वही बोलती हूँ, डर का जो पिक है ना वो पकड़ो। अगर आपका वर्स्ट फियर भी मैनिफेस्ट हो गया तो क्या, तो क्या, तो क्या? अगर आप अपने मन को इस तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं, जैसे वो डरा रहा है कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो आप उसको बोलिए कि तो क्या, तो क्या, तो क्या, और आपको जवाब मिलेगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप जिंदा रहेंगे, फिर भी आप खुश रहेंगे, फिर भी आपकी जिंदगी चलती रहेगी। और इसी तरह से आप कोशिश करते रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो समय एक सा नहीं रहता, हर चीज बीत जाती है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, लेकिन ये है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। तो अगर आप इस तरह की परिस्थिति में फंसे हुए हैं, नहीं ही निकल पा रहे हैं, अपनी चिंता ओवर थिंकिंग के जो पैटर्न है, चाहे भूतकाल में सरे जाना या भविष्य की चिंता करते रहना, तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम समवन, और जो आपको अलग एंगल दिखाएगा अपनी प्रॉब्लम का। और अगर खुद हल करना चाहते हैं तो अपने मन को क्वेश्चन पूछते रहे, तो क्या, तो क्या, तो क्या, और मन के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ डरा रहा है, ये सिर्फ इल्यूशनरी फियर्स है जो आपने मन में क्रिएट हो रहे हैं। अगर कोई ठोस फियर है तो उसको लिख लीजिए, अदरवाइज आपको जवाब मिलेगा कि कुछ भी हो जाए, यू विल बी ओके, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू, योर गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। ये मेरा आज का जो सेशन था, मोर ऑन साइकोलॉजिकल बेस था, होप आपको समझ में आया हो, आपको हेल्प करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।